तो ये है दुनिया का सबसे छोटा और मेरा प्यारा वेल्डिंग मशीन। इसी से मैं वेल्डिंग करता हूँ। आईवेल कंपनी का ये है इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन। ये इलेक्ट्रिक भी बहुत कम खाता है दोस्तों। ये फ्रिज का पैर टूटा हुआ है और इसके जगह में हम नया पैर फिटिंग करेंगे। नीचे एक चदरा लगा लेंगे, स्क्वायर टाइप का चदरा, इसमें 4 स्क्रू कर दिए हैं और इसी के ऊपर हम इसके गोड़ी को फिटिंग करेंगे दोस्तों। आइए गोड़ी का साइज़ देख लेते हैं। 2.5 इंच का, हाँ दोस्तों 2.5 इंच का ये स्क्वायर पाइप काट लिया है। आइए इसके मैंने लगे जंग को थोड़ा सफा कर लेते हैं। जंग लगा हुआ है, थोड़ा सफा कर लेते हैं। ये है हमारा सबसे छोटा और प्यारा सा वेल्डिंग मशीन। इस मशीन को मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ दोस्तों। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है और 2 साल का गारंटी भी था इसमें। ये आईवेल कंपनी का है सबसे छोटा इन्वर्टर मॉडल वेल्डिंग मशीन। फ्रिज का डेंटिंग का काम हम इसी मशीन से करते हैं। अब जब भी छोटा पतला चदरा मारना हो तो इसका जो एम्पियर दिया है, एम्पियर वॉल्यूम दिया है वहाँ पे एक, उसको आप 120 के अंदर रख के मारिए और आपको जितना मोटा चदरा आप मारते जाएंगे उसका वॉल्यूम कंट्रोल एम्पियर जो है, वॉल्यूम एम्पियर उसे बढ़ाते जाएंगे। पतला चदरा मारना है तो कम में रख के मारिए, अगर मोटा चदरा मारना है तो इसका वॉल्यूम कंट्रोल को थोड़ा सा बढ़ा के मारिए। आप जब यूज करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको उसका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। आईवेल कंपनी का वेल्डिंग मशीन 3 से 4 घंटा बड़े आराम से आप चला सकते हैं। अगर रेगुलर भी चलाएंगे तो 3 से 4 घंटा बड़े आराम से चला सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक बिल बहुत कम आता है क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल वेल्डिंग मशीन है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक बिल बहुत कम आता है और हमारे इलेक्ट्रिक पे भी कोई लोड नहीं पड़ता है। 2-way कनेक्शन में आराम से चला सकते हैं। घर के कनेक्शन में भी ये वेल्डिंग मशीन आराम से चल जाता है। छोटे मोटे काम जैसे ये छोटा सा हमर है जिसका इसका मुंडी निकल गया था, अब इसे इसको इसमें लगा कर इसमें हम वेल्डिंग मार लेंगे दोस्तों। अगर वेल्डर के पास में लेके जाते हैं तो वो हमारे पास से बहुत चार्ज लेते हैं। इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।